नमस्कार, मैं रोशनी, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार के बीएचएल सम्मेलन केंद्र में भारतीय औद्योगिक परिसंघ और उत्तराखंड उद्योग द्वारा दो दिवसीय औद्योगिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर औद्योगिक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान त्रिवेंद्र सिंह ने रोजगार और वन क्षेत्र के विकास को लेकर उद्यमियों द्वारा सहभागिता निभाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन द्वारा सरकार का प्रयास पहाड़ के लोगों के प्रति आय बढ़ाकर मैदान और पर्वतीय जिलों की आय विषमता को दूर करना है। साथ ही राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्योग लगाने के लिए जिलाधिकारी को विशेष अधिकार दिए गए ताकि छोटे उद्यमियों को प्रदेश के बाहर भागना न पड़े। इस अवसर पर एक स्मारिका का विमोचन भी किया गया। आशय यही है कि उत्तराखंड में निवेश आए, जो ऑलरेडी यहाँ पर जिनके उद्योग हैं वो अपने निवेश को यहाँ पर बढ़ाएं, एक्सपेंड करें अपने उद्योग को, और उत्तराखंड के जो हमारे नौजवान हैं, शिक्षित हैं, स्किल्ड हैं, उनको रोज़गार मिले और राजस्व को राजस्व प्राप्ति हो। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में कहा कि तमाम डिसीजन लिए गए हैं कि जो लैंड परचेज है या जो प्रोजेक्ट लगाने की क्लियरेंसेज हैं उनको सिम्प्लीफाई किया जाए, तो वो कार्य निरंतर चल रहा है। और फिर भी नई नई प्रॉब्लम्स जैसे आती हैं इन्वेस्टर्स को, तो हमने लगातार अपने इन्वेस्टमेंट सेल के माध्यम से उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं। और जहाँ तक टैक्सेस की बात है, तो वो तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की परिधि जो है वो हाल ही में काफ़ी सारे उसमें छूट दी गई हैं, जिसके विषय में अभी चर्चा भी की गई थी। तो मैं समझती हूँ उससे उद्योगों में एक नया एंथुजियाज्म आना चाहिए और उससे इन्वेस्टमेंट। ये पूरी जो एग्जीबिशन है 1000 स्क्वायर मीटर में सर्विस की गई, जिसमें कि 45 एग्जीबिटर्स हैं और वो 5 स्टेट से हैं और 2 UT। कौन स्टेट हैं ये 5 में? इसमें उत्तराखंड से हैं, इसमें राजस्थान से हैं, इसमें हरियाणा से कुछ लोग आए हैं, तो सब स्टेट से ये एग्जीबिटर यहाँ पे आए हैं। और इसके साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे नॉलेज एनहेंसिंग सेशन में 3 कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं फ्यूचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में। शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। बात करें तीर्थ नगरी हरिद्वार की, तो यहाँ सती के जन्म स्थल शीतला माता मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ भक्तों ने माता को फूल मालाओं, पान सुपारी, धूप कपूर, फल फूल और नैवेद्य चढ़ाकर माता का अभिषेक किया। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। आपको बता दें कि सती शिव की पहली पत्नी थी, यह उनका जन्म स्थान है। और कनखल सती कुंड क्षेत्र यक्षशाला में कूद कर उन्होंने आत्मदाह कर लिया था। कनखल सती कुंड क्षेत्र को 52 शक्ति पीठों का उद्गम स्थान माना जाता है, क्योंकि उनके पिता राजा दश ने इस यज्ञ में उनके पति का अपमान किया था। सती के शव को देखकर भगवान शिव शोक मग्न हो गए। उन्हें इस व्यक्ति भाव से मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव के 52 टुकड़े किए थे, जहाँ उनके शव के टुकड़े गिरे। सती माता जी का जन्म स्थान तक्षेश्वर महादेव की नगरी है। जब राजा दक्ष ने यहाँ पर यज्ञ कराया, शिव भगवान शिव शंकर जी को नहीं बुलाया, तो माता सती जिद कर अपने पिता के यहाँ आ गई। तो उनके पिताजी ने उनका बहुत अपमान किया, वो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने उसी हवन कुंड में अपने शरीर को त्याग दिया। और विष्णु भगवान ने उनके अपने चक्र से 52 टुकड़े शरीर के अंगों के 52 टुकड़े करे, वो भिन्न भिन्न भारत देश में गिरे और एक टुकड़ा उनका माता जी का नेपाल देश में गिरा। नई दिल्ली में पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। ये समारोह इंडियन सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल द्वारा आयोजित किया गया। इस पुरस्कार समारोह का नाम पुरुषार्थ महोत्सव रखा गया। वही इस मौके पर गमनामी के अंधेरे में रहकर समाज की भलाई के लिए बढ़ चढ़ कर योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। आज समाज के बच्चों के लिए, समाज के लिए, आगे भविष्य के लिए इन्होंने जो काम रखा ये बहुत अच्छा है। हम तो बहुत दिन से इस काम, आप तो हमको जानते हैं, सारे जानते हैं कि जो भी कार्य होगा बिना समाज के सहयोग के, बिना सभी साथियों के सहयोग के, उस काम के अंदर पूरा काम कभी होता नहीं।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य गंगाराम घोसले ने शिवपुरी जिले के भावखेड़ी गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए व्यवस्थाओं को लेकर खासी नाराजगी जताई। गंगाराम ने दौरे के चलते छुआछूत मुद्दे को लेकर अन्य सामाजिक समस्याओं पर बात भी की, साथ ही एससी एसटी वर्ग को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का भरोसा दिलाया। सबसे बड़ा खेद की बात कमीशन को यह है, घटना घटने के बाद आज अभी तक मध्य प्रदेश सरकार से कोई भी सरकार का प्रतिनिधि इस मृतक परिवार को सांत्वना देने के लिए घटना स्थल पे या उनके परिवार से मिलने नहीं गया, जिला प्रभारी मंत्री भी नहीं आया, मुख्यमंत्री जी ने अपने किसी प्रतिनिधि को नहीं भेजा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस दिन घटना घटी थी उसके तुरंत एक घंटे के बाद में प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था कमलनाथ के नाम से और पूरे टीवी मीडिया पे चला था कि मध्य प्रदेश सरकार कमलनाथ इस घटना को गंभीरता से लें। नलबाड़ी जिले के दतोरा गांव पंचायत के प्रांगण में सेवा भारती और विवेकानंद आर्थिक एवं सामाजिक विकास मंच के सहयोग से ठेला बनाने का प्रशिक्षण एवं निर्माण केंद्र का उद्घाटन किया गया। गौरतलब है कि सरकार प्लास्टिक बैग पर पाबंदी पर निरंतर प्रयास कर रही है, जिसके चलते सामान लाने ले जाने के लिए कपड़े के बैग का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। इसी मकसद को लेकर थैला बनाने का प्रशिक्षण दिया गया, जिसके कारण समाज की महिलाओं को आर्थिक तौर पर भी मदद मिलेगी। जन हम लगे प्लास्टिक मुक्त समाज हम लगे, क्योंकि प्लास्टिक मुक्त समाज हर लगे लगे आम राज्य विकल्प दी लगे प्लास्टिकर विकल्प हिसाब से आम कपुर बेग बनवा इत केन्द्र उद्बोधन सेवा भारती উত্তর পূর্বাঞ্চলৰ সহযোগত আমাৰ যি বিবেকানন্দ আৰ্থ সামাজিক সংস্থা এতিয়া আমাৰ এনজিও এই এনজিওৰ উদ্যোগত देश में स्वच्छ भारत अभियान पालन करते हुए नलबाड़ी जिला पुलिस की तरफ से प्लास्टिक के संदर्भ में एक रोड शो का आयोजन किया गया। इस रोड शो के दौरान इलाके की जनता को नाटक द्वारा प्लास्टिक के प्रति सचेत किया गया तथा हमारे समाज को साफ सुथरा रखने के लिए आह्वान किया गया। पुलिस कर्मियों द्वारा आयोजित ये पथ नाटक नलबाड़ी जिले के गोल पार्क, गोपाल बाजार और टिहू इलाके में किया गया है। पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए इस प्रशंसनीय कार्य को स्थानीय लोगों ने खूब सराहा। खबर ओरिया जिले से है, जहां लेखपाल का धरना लगातार जारी है। हड़ताल पर बैठने का कारण कन्नौज जनपद की बिछरामऊ तहसील में अधिवक्ताओं के द्वारा लेखपाल साथियों के साथ मारपीट की गई और अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके बाद लेखपाल संघ प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर जिले में लेखपाल हड़ताल पर बैठ गए। हड़ताल से तहसील में राजस्व संबंधी सब कामकाज बंद हो गए हैं, जिस वजह से क्षेत्र के तीनों तहसीलों में राजस्व संबंधी कागजी काम के लिए तहसील परिसर में आने वाले लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। लेखपालों की ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल बताई जा रही है। लेखपालों की मांग है कि जिन अधिवक्ताओं के द्वारा लेखपालों के साथ मारपीट कर अभद्र व्यवहार किया गया, उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। शिवपुरी जिले के दिनारा कस्बे में एक ऑटो चालक का सरेआम पीने का मामला सामने आया है। दरअसल ऑटो चालक बीते कुछ दिनों से एक महिला को फोन पर अश्लील बातें कर परेशान कर रहा था, जिसके चलते महिला ने अपने पति के साथ योजना बनाकर उसे बाजार में मिलने बुलाया और चप्पलों की बरसात शुरू कर दी। आरोपी का नाम हामिद खान बताया जा रहा है, जिसने पिटाई होने पर महिला से माफी मांगकर अपना गुनाह कबूल किया। रामपुर जिले के शाहबाद कस्बे के गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं ने शहीद भगत सिंह के जन्मदिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व चेयरमैन
मकबूल अहमद अंसारी ने गणमान्य अधिकारियों के साथ मिलकर केक काटा। वहीं भगत सिंह की शहादत को याद करते हुए बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दी, जिसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। बरेली क्षेत्र में एक बुजुर्ग की आयुष्मान योजना के तहत इलाज न मिलने से मौत हो गई। दरअसल बुजुर्ग अपना योजना कार्ड लेकर अस्पताल गया, लेकिन चिकित्सकों ने योजना का मजाक उड़ाते हुए मरीज को भगा दिया। बताया जा रहा है कि दर दर की ठोकरें खाने के बाद और इलाज न मिलने के चलते मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिवार ने शहर के खुशलोक अस्पताल, मिशन अस्पताल, राममूर्ति मेडिकल कॉलेज और सरन अस्पताल पर आरोप लगाकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यूपी के शाहजहांपुर में तेज हवा और बारिश के कहर से किसानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही एक मामला शाहजहांपुर थाना के निगोही इलाके में देखने को मिला, जहां तेज हवा और बारिश के चलते फसलों को काफी नुकसान होने से किसानों के चेहरों पर मायूसी छा गई, जिसके चलते किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग करते हुए कहा कि वे ब्याज पर पैसे लाकर लागत लगाते हैं, लेकिन प्रकृति के कहर से लागत मिट्टी में मिल जाती है। अगर सरकार द्वारा मुआवजा भी नहीं दिया जाएगा तो किसानों को भुखमरी की कगार पर जूझना पड़ेगा। खबर यूपी के शाहजहांपुर के पुवायर नगर से है, जहां हिंदू युवा के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। हिंदू युवा वाहिनी ने ज्ञापन देकर बताया कि 10 दिन पूर्व नगर के एक निजी अस्पताल में अश्लील वीडियो बनाकर वायरल की गई थी। बाद में अश्लील हरकत करने वालों के परिजनों ने वीडियो बनाने वाले युवक को पकड़कर थाने पहुंचाया था। उक्त प्रकरण में प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं पिछले दिनों तहसील परिसर में स्थित पूर्ति कार्यालय के कूड़ेदान में सरकारी दस्तावेज जलाए गए, जिस पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। प्रशासन के इस रवैये से ऐसे संस्थानों तथा उनमें काम करने वाले कर्मचारियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ज्ञापन देते हुए तमाम कार्यकर्ताओं ने एक सप्ताह के भीतर उक्त प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की मांग की, अन्यथा इस स्थिति में संगठन उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगा। हाथरस के पूर्वोत्तर रेल खंड को भारतीय रेल द्वारा इलेक्ट्रिक ट्रेन की सौगात दी गई, जिसके चलते फूलमालाओं से सजी ट्रेन का हाथरस स्टेशन पर आगमन हुआ। बताया जा रहा है कि सालों से इस ट्रेन का इंतजार किया जा रहा था, जो अब खत्म हो गया है। रेलवे विभाग ने विद्युतीकरण करते हुए इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचालन किया है, जिससे यात्रीगण भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। बेगूसराय में भारी बारिश के बीच अलग अलग जगहों पर घर गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई और करीब 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पहली घटना बलिया नगर पंचायत क्षेत्र के पनारी गाछी की है, जहां बीती रात घर गिरने से एक बच्ची गुंजन कुमारी की मौत हो गई, वहीं परिवार के अन्य 4 सदस्य घायल हो गए। वहीं दूसरी घटना खोदावनपुर थाना क्षेत्र के सागी गांव की है, जहां पर एक घर गिरने से घर के 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज निजी नर्सिंग में चल रहा है। इस घटना के बाद जिले के डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। बता दें कि सरकार द्वारा आपदा के तहत पीड़ित के परिवार को मुआवजे की राशि दी जाएगी। राजस्थान में उदयपुर झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, और अब झीलों की नगरी में एक शाम फैशन के रंग में रंग जाए तो उसकी बात ही कुछ और है। यहां राजस्थान नेक्स्ट टॉप मॉडल 2019 का आगाज हुआ। ये आयोजन आयुष और इंडिया इंटरनेशनल डिजाइनर सुमित दाल गुप्ता और ओम नमः शिवाय के फाउंडर शिवेंद्र सिंह राजपूत की ओर से आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर साहिल खान, टोनी कक्कर, शरद मल्होत्रा और कई बॉलीवुड मेहमानों ने शिरकत की। आपको बता दें कि शरद मुंबई से उदयपुर फैशन शो का हिस्सा बने पहुंचे और यहां उन्होंने रैंप वॉक भी की, साथ ही शो को भी जज किया। वहीं इस मौके पर शरद ने बताया कि राजस्थान से उनका पुराना रिश्ता है। वहीं इस मौके पर पंजाबी सिंगर मनिंदर बट्टर और टोनी कक्कर ने अपनी गीतों से शाम को रंगीन बना दिया। वहीं आयोजित फैशन शो में मॉडल्स ने अलग अलग आउटफिट्स में अपना जलवा बिखेरा। और हमारे जो विनर्स हैं उनको 1000 रुपये फर्स्ट विनर का प्राइस है और जो सेकंड विनर है उनको 30,000 रुपये प्राइस रखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रफुल्ल चौबीसा, आज हम पहुंचे हैं उदयपुर झीलों की नगरी, जो महाराणा प्रताप की पावन धरा भी कही जाती है।
आज हम आपको रूबरू कराएंगे युवा दिलों की धड़कन मशहूर गायक टोनी कक्कर से। पहला सवाल जो आपका है कि ये सब जो भी स्ट्रगल रहा है और जो भी सक्सेस धीरे धीरे अभी मिल रही है नेहा को, तो खैर माता रानी भगवान की कृपा से बहुत आगे वो बढ़ गई है। मैं अभी सफर से मेरा भी शुरू हुआ है और एक्चुअली बहुत ग्रेट रिस्पॉन्स है इस प्रोग्राम, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो भी सफर रहा है, कहते हैं कि मंजिल में अपना मजा नहीं है, अपना सफर नहीं होता है, तो सफर तो बहुत ही खूबसूरत है। और वो चीज़ें जो कुछ सालों से साथ आई है और जो परिवार के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नवतेज टीवी। नमस्कार।